अस्सलाम वालेकुम टेन साइंस, आपके साथ मेरा लेक्चर नंबर 2 है। इसको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन इसका करवाया है आपको। मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चल रही हूँ आगे। 2.1 हमारी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट पार्ट है उसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेट को फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास 2x² + 3x - 1 = 0। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -1 है। डिस्क्रिमिनेट फार्मूला अप्लाई किया और उसमें जहाँ जहाँ a, b, c की वैल्यू थी अप्लाई कर दी। करने के बाद 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 2 8 माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 और 9 को ऐड किया तो 17 आ गया और 17 इज आंसर है। 2 to 4 क्वेश्चन हमारे सेम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे जाते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड द वेरीफाई द रिजल्ट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ही हमने नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करने के बाद उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ वेरीफाई करना है आया कि हमारा जो रूट्स निकला था वो सही भी है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट का ले लिया मैंने, x² - 23x + 120 = 0 विच इज इम्प्लाइज दैट हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 120। डिस्क्रिमिनेट अप्लाई किया करने के बाद हमारे पास b² - 23² - 4, a हमारे पास 1 है एंड c इज इक्वल टू 120। ठीक है, ले लिया। अब ये कर देने के बाद हमारे पास 529 - 480 आ गया विच इज इम्प्लाइज दैट जब इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 49 आ गया। 49 डिस्क्रिमिनेट हमारे पास 49 निकला है। 49 इज अ कम्प्लीट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव आल्सो। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर आ गया, इसको हमने बताना है, इसकी नेचर ऑफ द रूट बतानी है। सो द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल टू 0। रूट जो है हमारे पास रैशनल है, रियल है और अनइक्वल टू 0 है और इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है, परफेक्ट स्क्वायर भी यहाँ पे लिखना था, सॉरी वो मिस हो गया मुझसे। अब हमने इसको वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया है, x = -b + -b² - 4ac2a। a = 1, b = -23, c = 120 और ये अप्लाई कर दिया। करने के बाद देखें यहाँ तक हमारे पास ये वही शेप आ गया, 23 + -529 - 480 / 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 49 आ गया। 49 इज अ कम्प्लीट स्क्वायर ऑफ 7 और ये शेप हो गई। इसके बाद हमारे पास केस 1 होगा और केस 2, एक मरतबा हमने 7 को पॉजिटिव लेना है और एक मरतबा हमने 7 को नेगेटिव लेकर सॉल्व करना है। पॉजिटिव लिया तो ये 30 हो गया, 30 को डिवाइड किया 2 पे तो 15 आ गया और इस तरह 16 को डिवाइड किया हमने 2 पे तो 8 आ गया। एक हमारा आंसर आ गया 8 और एक आ गया 15। अब यहाँ पे देखें दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए हमारा जो पहला आंसर निकला था कि रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी ये रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल टू 0 है आपके पास। ठीक है, अब हम स्टूडेंट अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन सिंगल ही है हमारे पास, इसमें हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। इसमें के x² + 2 k + 1 x + 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। वो हमसे पूछ रहे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमने इसको मजीद शेप दिए, ये 2 × था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2k + 2 × x कर दिया। इधर हमने बताना है इसी तरह a हमारे पास k स्क्वायर है, b हमारे पास ये 2k + 2 c 4 है। सो डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac अप्लाई किया। करने के बाद जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू की लगाई यहाँ पे a + b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या बन गई शेप, 4k² + 8k + 4 - 16k² अब 16k² एंड 4k² आपस में प्लस माइनस हो गए हैं, होने के बाद -12k² + 8k + 4 विच इज इम्प्लाइज दैट -4 हमने कॉमन किया है यहाँ से, 3k² - 2k - 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे 4 जो था दूसरी तरफ जाके यहाँ 0 था तो वो 0 हो गया और 3k² - 2k - 1 हमारे पास शेप आ गई। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है टर्म को, हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 3k² आना चाहिए, प्लस माइनस करने से -2k आना चाहिए, तो मैंने इसका फैक्टर बनाया 3k² - 3k + 1k - 1। अब हमारे पास ये एक सिंगल ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। यहाँ से हमने 3k कॉमन किया, 3k कॉमन किया, 1 के अंदर रह गया, यहाँ से 3k बाहर जा चुके हैं, जस्ट इधर -1 लगा, +1 यहाँ कॉमन किया इस वाली टर्म से तो k - 1 हो गया। ये दोनों देखें हमारे पास सेम साइन वाली वैल्यू आ चुकी है। अब इज इक्वल टू 3k + 1 × k - 1 विच इज इम्प्लाइज दैट 3k + 1 = 0 एंड k - 1 = 0। 2 केसेस हो गया, अब यानी कि k = -1/3 k = 1। सो ये जो हमारे पास आंसर आया है और जो हमारे पास शेप बनी थी यहाँ पर ये वाली शेप, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर
और हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। अब हमें पर फोर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इजिकल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3। सो डिस्क्रिमिनेट b स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3k का स्क्वायर किया तो 9k हो गया, और मैंने 4 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया, और 2k माइनस 1 इंटू रहने दिया। अब 12 जो है माइनस का 12 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये शेप आ गई। अब यहाँ देखें बच्चे, 3 कॉमन आ रहा है, 3 पूरी टर्म में से मैंने कॉमन किया, कॉमन करने के बाद इसको बाहर सेपरेट किया, करने के बाद हमारे पास आ गया 3k स्क्वायर, 3 8s are 24 एंड 3 4s are 12। अब ये 3 इधर 0 है, उसकी वजह से भी ऑटोमेटिकली जब वहाँ जाके डिवाइड होगा दूसरी तरफ तो 0 हो जाएगा। तो 3k माइनस 8k प्लस 4 ये यहाँ पे फिर हमने इसको फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12k स्क्वायर आना चाहिए, प्लस मैंने करने से हमारे पास 8k बनना चाहिए। मैंने इसके फैक्टर बनाए 3k माइनस 6 2s are 12। 6 और 2 को प्लस करेंगे तो माइनस का 8k आ जाएगा, और आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3s are 8k स्क्वायर, हमारे पास 12k स्क्वायर भी बन रहा है। ओके, ये हमारे पास ये टर्म ऐसे आ गई। अब ये एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इनमें से हमने कॉमन किया 3k और k, 3k माइनस 3 2s are 6 होता है तो 2 इंटू कर दिया, माइनस 2 यहाँ से कॉमन किया और हमारे पास बनी बनाई शेप की k माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये दोनों की शेप सेम है हमारे पास और साइन भी सेम है, इसको वन टाइम लिख लिया और 3k माइनस 2 को एक टाइम कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3k माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0 है और k माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास आंसर जो निकला k इज इक्वल टू 2/3 कोमा k इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ताकि हमारी 2.1 कम्प्लीट हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।